पुलवामा अटैक के बाद से ही पूरे देश में आतंकियों के खिलाफ गुस्से का माहौल है। हर कोई उनसे जल्द बदला लेना चाहता है। आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, एक सर्जिकल स्ट्राइक हमको और चाहिए। पूरी तरह से अपनी ताकत बता दो इंडिया की कि हमारे युवाओं के अंदर, हमारे जवानों के अंदर कितनी ताकत है। सरकार ने भी आतंकियों की साख मिटाने के लिए कमर कस ली है। पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। चार अलगाववादी नेताओं के बाद अब सरकार ने 18 और हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटा दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 155 राजनीतिक व्यक्तियों की भी सुरक्षा में बदलाव किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा हटाए जाने या कम करने को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मोदी सरकार की इस कार्रवाई के बाद अब सभी 22 हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटा ली गई है। जिन नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है उनमें SAS गिलानी, अगर सैयद मौसवी, मौलवी अब्बास अंसारी, यासीन मलिक, सलीम गिलानी, शहीद उल इस्लाम, जफर अकबर भट्ट, नईम अहमद खान, मुख्तार अहमद वाजा, फारूक अहमद किचलू, मसरूर अब्बास अंसारी, आगा सैयद अबुल हुसैन, अब्दुल गनी शाह और मोहम्मद मुस्तिक भट्ट शामिल है। इसके अलावा 155 राजनीतिक व्यक्तियों और कार्यकर्ताओं की भी सुरक्षा में बदलाव किया गया है। इनमें उनके खतरे के आकलन और उनकी गतिविधियों के आधार पर सुरक्षा दी गई थी। इसमें शाह फैजल भी शामिल है जिन्होंने IAS से इस्तीफा देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी। गृह मंत्रालय के मुताबिक इन हुर्रियत नेताओं और राजनीतिक व्यक्तियों की सुरक्षा में 1000 से अधिक पुलिसकर्मी और 100 से अधिक सरकारी गाड़ियां लगी हुई थी जो अब वापस ले ली गई है। इससे पहले सरकार ने 4 हुर्रियत नेताओं मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल घनी भट्ट, बिलाल लोन, शबीर शाह की सुरक्षा वापस ले ली थी। एक अनुमान के मुताबिक इन नेताओं की सुरक्षा पर सरकार ने अभी तक करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बता दें कि 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले में सुरक्षा बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। यह आतंकी हमला एक स्थानीय युवक ने विस्फोटक से लदी कार से CRPF के काफिले की बस को टक्कर मार कर किया था। इस हमले के बाद सबसे पहले हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटाए जाने की मांग उठी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि हम अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। किसान और ISI से पैसा लेने वाले भी कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, कुछ ताकतें हैं, और मैंने आज कहा है स्पष्ट रूप से यहाँ अधिकारियों को भी जम्मू काश्मीर के, कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, ISI के साथ जिन लोगों की मिली भगत है, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। सुरक्षा बलों के साथ हुई मीटिंग में गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और आतंक परस्त हुर्रियत नेताओं की दी गई सुरक्षा और सारी सरकारी सुविधाएं वापस लेने का फैसला कर लिया था। सबसे पहले 4 अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, शबीर शाह की सुरक्षा हटाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।